So hi everyone and welcome back once again to the session of government schemes. In this session guys, I will bring to you a very very important scheme jiska naam hai Rashtriya Krishi Vikas Yojana Raftar. Earlier it was known as Rashtriya Krishi Vikas Yojana, but then in the later years 2017-18 it was revamped as RKVY Raftar. Okay, and I hope जो स्कीम्स हमने मंडे टू फ्राइडे पढ़ी थी वो आपने रिवाइज कर ली हैं. मैं फिर से कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, रिवाइज करते रहना. रिवाइज नहीं करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. बट बिफोर वी बिगिन, इफ यू आर कमिंग हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस दिस बेल आइकन. यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप, इसका लिंक यू विल फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन. एंड हियर यू कैन आस्क एनी डाउट एंड यू कैन हैव द नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द लेटेस्ट वीडियोज एंड ऑल्सो रिगार्डिंग द कोर्सेज. सो चलो बात करते हैं आरकेवीवाई रफ्तार की. बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, ध्यान से सुनना, और बहुत आसान स्कीम है, इसमें कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्टी है नहीं. सो व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार. एंड देयर इज अ फुल फॉर्म ऑफ रफ्तार ऑल्सो. डू रिमेम्बर द फुल फॉर्म ऑफ रफ्तार बिकॉज यू नेवर नो कि क्वेश्चन रफ्तार की फुल फॉर्म में से ही आ जाए. ओके, दे कैन ऑल्सो आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द फुल फॉर्म ऑफ रफ्तार एज वेल. So what is the full form of Raftar? You can see here, remunerative approaches for agriculture and allied sector rejuvenation. Remunerative approaches for agriculture and allied sector rejuvenation is the full form of Raftar. So agar Raftar ki full form yaad ho gayi, if you can remember the full form of Raftar, then to it is very easy to identify the objective. If not, let us say you are not able to learn the full form of Raftar, then also it is very easy because you should know that what is the इनिशियल नेम ऑफ द स्कीम. इट वॉज राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY. सो ये तो याद करना ही पड़ेगा देखो, और ये तो आई होप आपको याद भी होगा. सो इसी से इसका ऑब्जेक्टिव हम डिफाइन कर सकते हैं, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कृषि? इट्स फार्मिंग. कृषि का मतलब क्या होता है? फार्मिंग होता है. एंड विकास का मतलब ऑब्वियसली डेवलपमेंट. विकास वर्ड तो वैसे भी आजकल बहुत बिक रहा है हमारे देश में. सो कृषि मीन्स फार्मिंग एंड विकास मीन्स डेवलपमेंट, विच मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट द डेवलपमेंट इन द फार्मिंग सेक्टर, इन द एग्रीकल्चर सेक्टर. एंड वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द एग्रीकल्चर, दे इन मोस्ट ऑफ द केसेज दे इंक्लूड द एलाइड सेक्टर्स ऑल्सो. ठीक है, लाइक एनिमल हस्बेंड्री हो गया, डेयरिंग हो गया, फिशिंग हो गया, ये सारे भी इंक्लूड होते हैं. विच मीन्स द गवर्नमेंट इज फोकस टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर इन दिस पर्टिकुलर स्कीम. नाउ हाउ दिस डेवलपमेंट कैन बी डन? डेवलपमेंट कैसे हो सकती है एग्रीकल्चर सेक्टर और लाइट सेक्टर की? सिर्फ इतना कहना इज नॉट इनफ दैट द स्कीम इज फोकस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड लाइट सेक्टर, दिस इज नॉट इनफ बिकॉज वी ऑल नो कि अब डिस्क्रिप्टिव पेपर भी है. सो वी शुड यूज द की वर्ड्स इन द आंसर्स. सो हाउ वी कैन डेवलप अ पर्टिकुलर सेक्टर टॉकिंग अबाउट द एग्रीकल्चर एंड लाइट सेक्टर, हाउ वी कैन डेवलप? सो वी कैन डेवलप बाय एनहांसिंग इट्स प्रोडक्शन, बाय एनहांसिंग द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी. फर्स्ट ऑफ ऑल, by enhancing the production and productivity in the agriculture and allied sector, number one. Now how production, this production and productivity, how government is doing this? What are they doing to enhance the production and productivity? So for this, they are incentivizing states. They are incentivizing states for investment, for enhance the investment in the agriculture and allied sectors. Yani ki states ko incentivize kar rahi hai central government ki, okay, aap एग्रीकल्चर और अलाइट सेक्टर में डेवलपमेंट करने के लिए आप इन्वेस्टमेंट करो और हम आपको उसके लिए इंसेंटिवाइज करेंगे. एंड यहाँ पे एक प्लान की भी बात है यहाँ पे कि द सेंट्रल गवर्नमेंट इंश्योर्स द स्टेट प्लान्स, द स्टेट एग्रीकल्चरल प्लान्स, जिसके थ्रू सारी फंडिंग की जाती है. ऑलराइट, सो यू शुड रिमेंबर दीज थ्री पॉइंट्स. नंबर वन, डेवलपमेंट विल बी डन हाउ? प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी को एनहांस करके. प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने के लिए गवर्नमेंट क्या दे रही है? दे आर इंसेंटिवाइजिंग द स्टेट्स फॉर एनहांसिंग द इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चर एंड एलाइट सेक्टर. और उसके अलावा एक स्टेट एग्रीकल्चर प्लान बनाने पर इंश्योर करती है सेंट्रल गवर्नमेंट की हर स्टेट का एक स्टेट एग्रीकल्चरल प्लान हो जिसके थ्रू जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे उनको पैसा दिया जाएगा. ऑलराइट, दिस स्कीम गाइज रिमेंबर वॉज लॉन्च इन द ईयर 2007 एज द सेंट्रल सेक्टर स्कीम, बट लेटर ऑन इट वॉज कन्वर्टेड इन टू अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. ऑलराइट, सो डोंट गेट कंफ्यूज हियर. व्हेन इट वॉज लॉन्च इट वॉज सेंट्रल सेक्टर, but later on it was converted to centrally sponsored. All right, so I hope guys the objective is clear. Moving ahead to the ministry, it is very easy. It is Ministry of Agriculture and Farmers Welfare headed by Mr. Narendra Singh Tomar. Eligibility ki baat kar lo. So remember one thing that here the eligible beneficiaries would not be the farmers or the farmer producer organization, because in this scheme government is incentivizing the states.
राइट, गवर्नमेंट क्या कर रही है, स्टेट्स को इंसेंटिवाइज कर रही है. दैट मीन्स द बेनिफिशियरी वुड बी द स्टेट्स और द यूनियन टेरिटरीज, एंड देयरफॉर ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर एलिजिबल फॉर फंडिंग अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम विच इज नोन एज आरकेबीवाई रफ्तार. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर. बेनिफिशियरी इज वेरी इजी. Now, as I told you that this is a centrally sponsored scheme, and in most of the centrally sponsored scheme, what is the funding pattern? Funding pattern क्या होता है? 60-40 center state का, 90-10 northeastern state और Himalayan states का, और 100% duties का, and same is here. 60-40 between center and states, 90-10 between center and northeastern and hilly states, and 100% assistance for from the center in the case of union territories. So I hope this is also very easy to remember. Just remember that it is a centrally sponsored scheme. Earlier it was central sector, but now it is centrally sponsored. And the जो general pattern होता है centrally sponsored scheme की funding का, वही इसका भी है. ठीक है, so this is very easy to remember. Moving ahead guys to the things to remember. Now यहाँ पे देखो बहुत सारी चीजें छोटी छोटी याद रखने के लिए. देखो generally ऐसी questions पूछे नहीं जाने चाहिए in my opinion, but NABARD has the tendency to ask such questions, so that's why we have to discuss all these things also. So first of all, you have to remember the launch year. If someone asks you what is the launch year of RKBY, you will say 2007. Okay, launch year yaad rakhna 2007 hi hai, but it was revamped in the year 2017-18 as the RKBY Raftaar. Earlier the name was only RKBY, and then when it was revamped, the name was changed to RKBY Raftaar. Okay. Now criteria of allocation की बात कर लो, तो allocation जो है वो थोड़ा याद रखना है. Allocation is divided into two parts. Number one is regular RKBY रफ्तार outlay. Regular RKBY रफ्तार outlay, and in this 70% of the annual outlay is provided. जो 100 रुपए मान लो कि central government दे रही है, let us say the government is central government is providing 100 rupees. Okay, central government and state government, क्योंकि ratio है obviously 60-40 का, so अ पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की फंडिंग मिला के हुई 100 रुपए. ठीक है, उस 100 रुपए को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा. 70 रुपीज दिए जाएंगे किसमें, रेगुलर आरकेबीवाई रफ्तार में, और बाकी जो 30 रुपीज होंगे वो किसमें होंगे, आरकेबीवाई रफ्तार स्पेशल सब स्कीम्स. ठीक है, ऐसे तो 70 वहां चले गए, 30 रुपीज यहाँ पे आ गए. ऑलराइट, नाउ अब उस 70 का भी ब्रेकअप है, उस 70% का 50%. 50% of the regular RKBY Raftaar outlay, and how much is the regular RKBY Raftaar outlay? It is 70% of the total outlay, which means if the funding is rupees 100, total funding is rupees 100, then 70 rupees will be for regular RKBY Raftaar, and out of this 70, 50% will be for the infrastructure and assets. Okay, this will be for infrastructure and asset, which means rupees 35. I hope guys this is clear, and please don't get confused. This 50% is of 70% which is given in the regular RKBY Raftaar. Alright, and out of this 50%, 20% is the pre-harvest infrastructure, and 30% is the post-harvest infrastructure. Okay, so I hope this is clear. Now next, 30%. 30% of the regular RKBY Raftaar, remember this, is given for the value addition linked production projects, value addition linked production projects के लिए, and there is a category of flexi funds also. Flexi funds में कितना दिया जाएगा, 20% of the regular RKBY Raftaar outlay. I hope guys this is clear and there is no confusion. 70 रुपए थे total, 35% उसका 50% मिलेगा infrastructure and asset को, value addition वाले को 30%, और बाकी जो बच गया 20% वो किसके मिलेगा, flexi funds को. Right, now moving ahead to द रेस्ट 30 रुपीज. अब बाकी बचे हुए 30 रुपए का क्या होगा, उस 30 रुपए का जो 20% होगा, 20% ऑफ द टोटल एनुअल आउटले वो किसको जाएगा, सॉरी दिस इज 20% ऑफ द टोटल एनुअल आउटले. कितने परसेंट बचे थे, 30% बचे थे, तो 20% ऑफ द टोटल एनुअल आउटले किसमें जाएगा, आरकेबीवाई रफ्तार स्पेशल सब स्कीम्स में. और इनोवेशन एंड एग्री एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट में कितना जाएगा, 10% ऑफ द एनुअल आउटले. सो दीज आर द टू कॉम्पोनेंट्स अंडर दिस. पहले वाले में 20% ऑफ द टोटल एनुअल आउटले इन दिस स्पेशल सब स्कीम्स में, ठीक है, और जो बाकी बच गए 10% वो किस में जाएंगे, इनोवेशन एंड एग्री एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट, 10% ऑफ द एनुअल आउटले. आई होप गाइस दिस इज क्लियर. पहले 70% किस में है, इसमें है, 70% रेगुलर आरकेबीवाई रफ्तार, बाकी बचे 30% वो किस में जाएंगे, बाकी बचे हुए 30% में से 20% तो इसमें जाएगा आरकेबीवाई रफ्तार स्पेशल सब स्कीम्स में,
और 10% किस में जाएगा, इनोवेशन एंड एग्री एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट, राइट। सो दिस इज द फंडिंग एलोकेशन जिस तरीके से होती है। नाउ अब ये एक और चीज है जो कि आपको याद रखनी ही पड़ेगी, दिस इज द इंटर स्टेट एलोकेशन क्राइटेरिया। ऑन व्हाट बेसिस, ऑन व्हाट पैरामीटर्स द स्टेट्स आर एलोकेटेड फंड्स, ठीक है। फंड्स जो स्टेट्स को मिलेंगे कौन से बेसिस पे मिलेंगे, कौन से पैरामीटर्स में मिलेंगे, तो यहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं एंड दोज पैरामीटर्स आर अलॉटेड सर्टेन वेटेजेस, ठीक है, और उसी के हमें बात करनी है। नंबर वन इज द परसेंटेज शेयर ऑफ नेट अन इरीगेटेड इन एरिया इन अ स्टेट टू द नेट अन इरीगेटेड एरिया इन द कंट्री, ठीक है। परसेंटेज ऑफ नेट अन इरीगेटेड एरिया इन अ स्टेट टू द नेट अन इरीगेटेड एरिया इन ऑल द स्टेट्स, 15% वेटेज इज गिवन टू दिस, ऑलराइट, 15% वेटेज है इसको। देन परसेंटेज ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इन द स्टेट जिसकी बात हो रही है टू द टोटल स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इन द कंट्री एंड इट हैज गिवन 20% वेटेज। देन मूविंग एवरेजेस ऑफ द इंक्रीज इन प्लान एक्सपेंडिचर इन एग्रीकल्चर एंड लाइफ सेक्टर इंक्लूडिंग एनिमल हस्बेंड्री डेयरी फिशिंग फार्मर फॉर प्रीवियस 3 years पीरियड 30%, ठीक है। देन मूविंग अहेड टू अदर थिंग्स, एवरेज ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड इन एग्रीकल्चर एंड लाइफ सेक्टर इन द लास्ट 3 years, उसको कितना मिलेगा, 20% वेटेज है, ठीक है। देन परसेंटेज ऑफ यूथ पॉपुलेशन इन द स्टेट कंपेयर टू द टोटल यूथ इन द कंट्री 5%, एंड देन इंक्रीज ऑफ यील्ड गैप बिटवीन स्टेट एवरेज यील्ड एंड पोटेंशियल यील्ड्स एज इंडिकेटेड इन द फ्रंटलाइन डेमोंस्ट्रेशन डेटा दैट इज 10%, ऑलराइट। सो ये वेटेज है, इस वेटेज के अकॉर्डिंग ही स्टेट्स को फंड दिया जाता है। एंड गाइस देखो, याद तो रखना ही पड़ेगा, आई कांट डू एनीथिंग इन दिस। अब आपको अगर एग्जाम निकालना है तो भाई याद तो करना ही पड़ेगा। अब मैं इसके लिए आपको कोई गुरु मंत्र या कोई दवाई या कोई चूर्ण तो नहीं दे सकता, देखो आपको याद तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें आई कांट हेल्प, आई कैन जस्ट गिव यू द कंटेंट, मैं आपको सिर्फ कंटेंट दे सकता हूँ कि आपको ये चीज़ें पढ़नी है, ऐसे ऐसे पढ़नी है, बट यस याद करना, उसको मेमोराइज करना कुछ चीज़ों को और उसको रिटेन करके रखना, इट्स योर जॉब। Now there is a new component under this RKB by Raftaar. This was launched last year, 2020 में launch हुआ था ये नया component. And what is the name? Innovation and Agri Entrepreneurship Development Program. नाम से पता चल रहा है. So they are supporting the startups and the incubators they are basically inviting new ideas, innovative ideas through the startups and the incubators, and in turn they are providing funding. The government is providing funding to the startups and incubators for their innovative and new ideas in the area of agriculture and allied sectors, right? And these startups are in various categories such as AI, artificial intelligence, digital agriculture, related to agriculture, har field mein. And 24 RKBY Raftaar agribusiness incubators from across the country have been appointed. 24 RKBY Raftaar incubators appoint kiye gaye hain, and these incubators will provide support to the newly to the startups, right? Moving ahead to other thing, तो ये जो component है जो भी हमने पीछे पढ़ा, innovation and agri entrepreneurship development program, इसके 3 components हैं। Number one is the agripreneurship orientation. Under this, what will happen? It will have 2 month duration. This is a orientation program basically, and it will have 2 months duration with a monthly stipend of ₹10,000 per month. ठीक है? उसके अलावा there is a seed stage funding of incubators. कितना फंडिंग अप टू ₹25 lakhs, एंड देन वी हैव थर्ड कंपोनेंट व्हिच इज प्री सीड स्टेज फंडिंग ऑफ एग्रीप्रेनर्स फंडिंग अप टू ₹5 lakhs, ऑलराइट। सो दिस इज द कंपोनेंट्स ऑफ द स्कीम, एंड गाइस दिस वाज अबाउट द स्कीम, नाउ लेट्स वंस अगेन रिवाइज इट। सो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम, डेवलपमेंट इन द एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, एंड हाउ दिस डेवलपमेंट विल बी डन बाय एनहांसिंग द प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन इन द एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। The central government is incentivizing the state government for having investment in the agriculture and life sector, and also they are focusing on ensuring the state agricultural plan of a particular state. It is being implemented by the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare under the Government of India. All the states and UTs are eligible to get the funds, and the funding pattern is as per the centrally sponsored scheme pattern, the general pattern, that is 60-40, 90-10 and 100% for UTs. It was launched in the year 2007, revamped in the year 2017-18. This is the criteria of allocation. I will not repeat this. बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी वरना. Interstate allocation of funds. ये सारे interstate allocation of funds के. और this is the new component, innovation and agri entrepreneurship development program, under which
The government is providing support to the startups and incubators, and these startups are those which have new and innovative ideas in the area of agriculture and allied sectors. Okay. और ये तीन कॉम्पोनेंट्स है, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की दैट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्कीम। एंड रिमेंबर एक चीज रह गई यहाँ पे, बजटरी एलोकेशन। बजटरी एलोकेशन इसका कितना है इस साल का? 3712.44 करोड़। इस तरीके का बजटरी एलोकेशन है ना, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, जो सीधे सीधे होते हैं 400 करोड़, 500 करोड़, 20,000 करोड़, 16,000 करोड़, वो नहीं आते। ऐसे जो उल्टे सीधे होते हैं ना, हमेशा वही आते हैं पेपर में, तो ध्यान रखना। 3712.44 करोड़, 3712.44 करोड़। सो व्हाट इज द बजटरी एलोकेशन फॉर आरकेबी बाय रफ्तार इन यूनियन बजट 2021-22? दैट्स हाउ मच? 3712.44 करोड़। ओके, आई होप दैट्स वेरी इजी क्वेश्चन, आई डोंट थिंक देयर इज एनी डिफिकल्टी इन दैट। हाउ मच परसेंटेज ऑफ फंड इज एलोकेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एसेट्स अंडर आरकेबी बाय रफ्तार? कितना था टोटल? था 70% ऑफ टोटल आउटले का 70% किसको? रेगुलर आरकेबी बाय रफ्तार, ठीक है। और उस 70% का 50% किस में था? इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एसेट्स में, विच मीन्स यस 50% ऑफ रेगुलर आरकेबी बाय रफ्तार। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 3। अंडर द न्यू कंपोनेंट ऑफ आरकेबी बाय रफ्तार इनोवेशन एंड एग्री एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, व्हाट इज द सीड स्टेज फंडिंग ऑफ आरएबीआई इनक्यूबेटर्स? तो कितना था ये? प्री सीड स्टेज फंडिंग कितना है? 5 लाख। और सीड स्टेज फंडिंग कितना है? अप टू ₹25 लाख, विच मीन्स ऑप्शन ए अप टू ₹25 लाख गाइज विल बी द करेक्ट आंसर। एंड दैट्स इट फॉर द स्कीम गाइज। आई होप द स्कीम इज क्लियर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, नाबार्ड की वन ऑफ द फेवरेट स्कीम है ये, तो इस स्कीम को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।